डीह प्रखंड में लोग विकास के मायने नहीं जानते क्योंकि लोगों को यहां आवागमन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं। सालों पहले टूटे पुल का अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, इससे ग्रामीण नाव के सहारे ही आवागमन करते हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। जी हाँ, मधुबनी के घोघरडीहा प्रखंड में रहने वालों का यही जीवन है। सालों पहले नदी पर बना पुल टूट गया, लिहाजा आने जाने का साधन खत्म हो गया। सरकार जिस पर पुल बनाने का जिम्मा है वो सो रही है, लिहाजा 3 दशक बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। 87 से पुल नहीं बन रहे, अले बनल रहे टूट गए, तई बेर से किछ नहीं कतौ भले है, आ नहीं कोई इतना आवेदन दलके अठिन को, इतना कोई देखनहारे न छे। नदी पर पुल नहीं होने से घोघरडीहा प्रखंड के कालीपुर, धनखोर, परसा समेत दर्जनों गांवों के हजारों लोग प्रभावित लोग हैं। नाव के सहारे ही उनका आवागमन होता है। सरकार नहीं जागी तो ग्रामीणों ने ही चंदा कर चचरी पुल बनवाया, लेकिन 2 महीने में ही वो बह गया। हमरा को समस्या बड़ खराब है, कोना कोनो विधि उग ढूल का नाव टूटला फुटला पर पार है छी, समस्या यह खराब है। जनप्रतिनिधि जिस पर ग्रामीणों का सुध लेने का जिम्मा है, चुनाव बीत जाने के बाद वो झांकने भी नहीं आते। जनवरी में दौरे पर आए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पुल बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। 20,000 की आबादी का लोग जो है चुप नाव के सहारे बाजार से अपना खाने पीने का सामान लाते हैं और यातायात करते हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि नीतीश जी अपना घोषणा किए थे कि हम जल्द से जल्द यहां पुल बनाएंगे। पुल के निर्माण कार्य की अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की गई, इसे लेकर प्रशासन की बहानेबाजी भी सुन लीजिए। इसमें जो है कार्यपालक अभियंता RWD फुलपरास को सूचना दी गई थी, उनके द्वारा हमको बताया गया है कि धनकोर से परसा गोरगामा की जो सड़क है इसको जोड़ने के लिए जो है यह पथ नाबार्ड योजना अंतर्गत निविदा के प्रक्रिया में है। सरकार का कहना है कि वो सूबे में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन मधुबनी के घोघरडीहा प्रखंड को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि विकास अभी दूर है। वो भी तब जब जिले के सांसद और विधायक दोनों ही सत्ताधारी दल JDU के हैं। बिंदु भूषण, Zee Media।